2015 एक ऐसा स्कैंडल हुआ जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री की जड़ें हिला दी, फॉक्सवैगन इमिशन स्कैंडल, जिसे हम सब डीजल गेट के नाम से जानते हैं। उस स्कैंडल के बाद से डीजल को जैसे ग्लोबल विलेन बना दिया गया और एक नए युग की शुरुआत हुई ईवीज और हाइब्रिड कार्स का। ईवीज का फ्यूचर तो ब्राइट दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हाइब्रिड्स दुनिया में ज्यादातर कार्स दो टाइप के फ्यूल से चलती है, पेट्रोल और डीजल। लेकिन डीजल गेट ने डीजल कार्स के डाउनफॉल की शुरुआत कर दी, जिससे कि कंपनीज को नया ऑप्शन ढूंढना पड़ा और यहीं से हाइब्रिड कार्स का दौर शुरू हुआ। ये बिल्कुल कोका कोला की जगह स्प्राइट के आने के जैसा है, बस पैकेजिंग और नाम बदल गई है, लेकिन असलियत आज भी वही है। इसी बात को स्टेलेंटिस के सीईओ कार्लोस तावारिस ने 2022 में कंफर्म किया, जब उन्होंने कहा कि हाइब्रिड कार्स असल में फॉसिल फ्यूल व्हीकल ही है जिन पर इलेक्ट्रिक कार्स का नकली चोला चढ़ा दिया गया है। और इसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 2023 में फैक्ट्स आने शुरू हुए और दावा किया जाने लगा कि हाइब्रिड कार्स असल में पेट्रोल और डीजल कार्स से ज़्यादा पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ तक कि यूरोपियन स्टडी में भी पाया गया कि लैब टेस्ट में दिखाए गए इमिशन क्लेम्स असल दुनिया में पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या हाइब्रिड कार्स हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर का सॉल्यूशन है या एक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ग्रीन वॉशिंग टैक्टिस है। हाइब्रिड कार्स इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे डिस्टेंस के लिए करती है, लेकिन जैसे ही बैटरी खत्म होती है यह पूरी तरह से फ्यूल पर शिफ्ट हो जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, टोयोटा प्रियस, दुनिया की सबसे पॉपुलर हाइब्रिड कार्स में से एक, इलेक्ट्रिक मोड में सिर्फ 40-50 किलोमीटर तक चलती है। उसके बाद यह पेट्रोल इंजन पर स्विच होकर एक नॉर्मल पेट्रोल कार की तरफ बिहेव करने लगती है। यानी कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग कर रहे होते हैं या हाईवेज पर होते हैं, हाइब्रिड गाड़ियों का इलेक्ट्रिक एडवांटेज लगभग खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पर चलने लगती है। अब इमिशंस की भी बात कर लेते हैं। यूरोपियन स्टडी में ये भी खुलासा हुआ कि हाइब्रिड कार्स की इमिशंस लैब टेस्ट की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा होती है। कंपनीज दावा करती है कि हाइब्रिड कार्स 40 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जबकि असल दुनिया में ये 139 ग्राम पर किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो कई डीजल कार्स के बराबर है। मतलब साफ है कि हाइब्रिड कार्स को हम पूरी तरह से ग्रीन मोबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी रिलायंस फॉसिल फ्यूल पर ही है। तो क्या सच में ये इको फ्रेंडली ऑप्शन है या बस एक इल्यूजन जो हमें बस दिखाया जा रहा है। अब डीजल कार्स की बात करते हैं। डीजल को जितना डिमोनाइज किया गया है, क्या वो सही है? अगर ध्यान से देखें तो आज के डीजल कार्स पहले से काफी साफ और इफिशियंट हो गए हैं, खासकर BS6 नॉर्म्स आने के बाद। डीजल इंजन्स के इमिशन काफी कम हुए हैं और फ्यूल इफिशियंसी भी बेहतर हो गई है। एग्जाम्पल के लिए किया सोरनेटो को लेते हैं, यह 6.1 लीटर डीजल में 100 किलोमीटर तक चलती है, जबकि इसका हाइब्रिड वर्जन 7.1 लीटर फ्यूल में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि डीजल कार्स न सिर्फ माइलेज देती है, बल्कि हाइब्रिड कार्स की तरह बार बार बैटरी चेंज करने की परेशानी भी नहीं होती है। अब सोचिए कि हाईवे पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डीजल इंजन का कोई बेहतर अल्टरनेट है? दोस्तों आप कमेंट कर मुझे बताइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जीरो इमिशन की वजह से आइडियल माना जाता है, लेकिन भारत में चार्जिंग स्टेशनों की कमी और ज़्यादा लागत की वजह से इनका एडॉप्शन आसान नहीं है। डीजल कार्स खास करके BS6 कंप्लाइंट इंजन्स हाईवेज पर बेटर माइलेज और एफिशिएंसी देते हैं और हाइब्रिड से ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित हो रहे हैं। जब तक कि ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं होता, डीजल टेक्नोलॉजी एक बेहतर और इफिशियंट विकल्प रह सकती है। क्या डीजल टेक्नोलॉजी को और क्लीन बनाकर ईवीज के बराबर नहीं लाया जा सकता? सोचिए अगर डीजल कार्स जीरो इमिशन वाली हो जाए तो क्या यह ग्रीन फ्यूचर की सबसे बड़ी जीत नहीं होगी? आपकी क्या राय है? हाइब्रिड सच में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या डीजल आज भी सही चॉइस है? प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।